हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। एंड अभी फिलहाल मैं अपनी छत पर हूँ और अभी यार एक पार्सल भी आने वाला है, तो मैंने सोचा भाई आज से ही व्लॉग चालू कर दे। तुम लोगों को वाला पार्सल भी मैं दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करी थी। वैसे दो तीन चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है जो कि जिसमें सिर्फ एक आई है, अभी दूसरी पता नहीं कब आएगी भाई, क्योंकि पता नहीं क्यों। एंड लो, कांड हो गया भाई, नीचे उसने शीरो ने पॉटी कर रखी थी, उसमें मेरा पैर चले गया। चलो वो चीज़ छोड़ते हैं और छत में तुम लोग को दिखाओ ना, देखो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, मतलब छत का हाल ये लोग ऐसा कर देते ना। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ, वो देखो पीछे उधर जो थोड़ा बहुत सामान ये दिख रहा है ना तुम लोग को, तो ये इन लोग ने लगा रखा है दूसरी छत वालों ने, बिकॉज जो शीरो फीडर है वो इनकी छत पर कूद जाते हैं। एंड ये तो कुछ भी नहीं भाई, सामान अभी काफ़ी सारा था यहाँ पे। एंड इनके उधर मतलब टीन लगी ना, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जाके। तो शीरो फ्रीडम क्या करते हैं ये लोग, इनकी ना टीन में मतलब पता नहीं कूद के चले जाते हैं। देखो टीन है ना यहाँ पे, कूद के चले जाते हैं। एंड फिर ये लोग जो हैं वो हमें सुनाते हैं कि भाई अपने कुत्ते को ज़रा बांध के रखा करो, तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पे कर रखा है। बाकी अभी तो फिलहाल नीचे शीरो बंधा हुआ है, बिकॉज वो उनकी टीम पे पता नहीं बैठा, पता नहीं क्या करता है, वहाँ जाके बैठ जाता है। इतनी बड़ी छत है, उसको छोड़ के उनकी टीम पर जाके बैठता है, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है। बाकी अभी नीचे चलते हैं एंड पार्सल में तुम लोग को दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मेरे को तुम लोग को बतानी है कि जो तुम लोग अगर मेरे को लाइव स्ट्रीम वगैरह देखते हो मेरी, तो तुम लोग को पता होगा मैंने भाई RGB वगैरह थोड़ी बहुत पीछे से लगा रखी है। एंड कैसी उसकी सेटिंग करेगी वो मैं तुम लोग को आज पूरा दिखाने वाला हूँ, सेटअप एक तरीके से मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। तो नीचे चलते हैं एंड नीचे चल के मेरे को एक वीडियो भी मैं एडिट कर रहा था, मैंने सोचा पहले व्लॉग भाई अपना बना लेते हैं। एंड नीचे चल के मैं तुम लोग को वाली वीडियो भी दिखाऊंगा, नहीं वो तुम लोग को लाइव स्ट्रीम में देखने को मिलेगी। तो नीचे चलते हैं। तो कमरे में तो मैं आ चुका हूँ, रूम में पहले लाइट जला लेते हैं यार, रिंग लाइट, बिकॉज ऐसे तो देखो तुम लोग को क्वालिटी थोड़ी बेकार सी लगेगी। एंड PC मैं स्लीपिंग मोड में करके आ गया था, बिकॉज अभी फिलहाल थोड़ा बाहर गया था, तो ये स्लीपिंग मोड में, इसको भी अपन ऑन कर देते हैं, ऑन हो गया। तो जो पार्सल आ रखा है वो रखा है गाइज मेरे आंखों के जस्ट सामने, ठीक है। ये है वो पार्सल, काफ़ी तगड़ा सा है, मतलब इसमें क्या है वो तुम लोग को भी इसमें खोल कर ही मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब काफ़ी मेरे को ये चीज़ ना, मतलब ये मेरे को लेनी थी, बट मैं काफ़ी दिनों बाद इसको ले रहा हूँ, बिकॉज पैसे वैसे का थोड़ा सीन हो रहा था, इसलिए अब ले रहे हैं अपन। तो और ये देखो, ये 24 घंटे यहीं, मतलब 24 घंटे तो नहीं, दिन भर ही यहीं पे पड़ा रहता है। मतलब खाली खाना खाने के लिए उठता है और सुसु पार्टी करने के लिए छत पर जाता है, बाकी यहीं पर पड़ा रहता है। तुम लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में अगर मेरे को देखते हो तो लाइव स्ट्रीम में तुम लोग ने देखोगे यहीं पर रहता है। और रिंग लाइट कुछ ज़्यादा ही कम हो रखी, बिकॉज जो है लाइव स्ट्रीम में मैं ज़्यादा तेज करके नहीं जलाता हूँ, बिकॉज वरना देखो बैकग्राउंड नहीं दिखता है, ठीक है। और मेरी आंखों पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं, वैसे बॉक्स में तो है नहीं, बट फिर भी इसको रुको आप लेते हैं। तुम लोग को एड्रेस से पहले दिख गया होगा, मैं उसको ब्लर कर दूंगा वाले पार्ट का, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सो रहा है, मैं बैक कैमरे में तुम लोग को इसको दिखाता हूँ भाई, इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या। इधर से फाड़ूं? अरे उधर से फाड़ना, एड्रेस दिखा देगी ऐसे। तो मैंने सोनी को बुला लिया यहाँ पे इसको खोलने के लिए, वरना फिर वीडियो बनाने की दिक्कत। कहीं से भी चीज नहीं, रुक जा बीच में से, नहीं थोड़ा सही से फाड़ यार, क्या पता अभी साइज वाइज की दिक्कत हो जाए। ये तो हाथ से ही फट जाती, तू बेफालतू में वाला चक्कू लेता। फाड़ दे फिर हाथ से ही फाड़, चक्कू का यूज मत, रहने दे चक्कू का यूज मत कर फिर। इसका यूज़ तो तूने कर लिया वैसे छेद करने के लिए। ये देखो एड्रेस, ये बार बार एड्रेस दिखा दे रही है। अरे भैया लोगों को पता, एड्रेस ही पता चल गया है कितने लोगों को। कोई बात नहीं, क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस है एक ट्रैक सूट जो कि मैंने ऑर्डर किया था, मतलब ट्रैक सूट में अभी फिलहाल अभी कोई ढंग का नहीं था, तो मैंने सोचा एक ऑर्डर कर लेते हैं ब्लू कलर का, बिकॉज मैंने पहले एक मंगाया था वो ब्लैक कलर का था, जो कि नोनी ने हथिया लिया है वही पहनती है ना। बस यार साइज ठीक है, हाँ खोल दे इसको, पूरा खोल के दिखा दे, हर जगह से फाड़ दे। ये दे रखा है यहाँ पे, खुदी देख के देख, ये दिया हुआ खोलने के लिए। और हाँ गाइस, अमेजोन पे अभी फिलहाल सेल भी चल रही है जो कि स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम लोग को अगर कुछ भी चीज़ खरीदनी हो तो तुम लोग खरीद सकते हो, काफ़ी तगड़े इसमें डिस्काउंट चल रहे हैं अभी। तो ये है गाइस लो, अरे ये तो बहुत बड़ा है यार, ये अरे ये तो बहुत ही बड़ा आ गया गाइस, दो आ जाएंगे इसमें। लोअर तो बहुत ही बड़ा है, है? अबे यार मैंने तो वही मंगाया था, इतना बड़ा कैसे आ गया, कहीं गलती से वो तो नहीं हो गया। कौन सा साइज है ये पता नहीं मेरे को, मैंने तो मीडियम मंगाया था। ये मीडियम है, ये तेरे जैसे दो घुसेंगे इसमें पता नहीं, फिर उस पे शायद क्लिक हो गया हो गलती से। बाकी ये तो काफी अच्छा है, मतलब लोअर इसका मैं एक्सचेंज कर लूंगा इसको, तो बाकी कोई देखिए, ये भी सिर्फ फिर बड़ा ही होगा ना। तो गाइस साइज की दिक्कत हो गई, मतलब ये काफी ज्यादा बड़ा आ गया, ये देखो ये गलती से बहुत हुआ होगा, जैसे साइज टिक करने का होता है ना, मैंने ऐड टू कार्ट गलती, शायद लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज होगा ना मेरे ख्याल से, एक्स्ट्रा लार्ज ही लग रहा है इसको पहन के, नीचे पहनने की जरूरत है। तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ा आ गया, चलो इसको तो वो एक्सचेंज हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये काफी सही है ना, मतलब ये वाला वैसे तो सही है इसका, अगर साइज ठीक आ जाए ना, क्वालिटी भी अच्छी है, बाकी सही है। और ये मैंने अमेजोन से मंगाया, जैसे कि तुम लोग को पता ही, अगर तुम लोग को इसको कितना 7XL, ये कौन सा साइज होता है यार 7XL, मैंने डबल XL सुना है, ट्रिपल XL भी सुना है, 7XL में पहली बार देख रहा हूँ मैं इसका साइज।
बहुत ही बड़ा, ये तो बिल्कुल हट्टे कट्टे इंसान के लिए, मोटे ताजे इंसान के लिए। ठीक है, बाकी अमेजोन का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, तो तुम लोग को अगर इसको परचेस करना हो तो चेकआउट कर लेना। और इसको गाइस यहाँ पे बांध रखा है, देखो पूछ हिला रहा है खोलने के लिए, इतनी तेज तेज क्या रहा था ना ये, बहुत ज़्यादा तेज। क्या हो गया चीरो, क्या हुआ क्या हुआ? ये देखो खोलने के लिए कर रहा है ये, खोल दे इसको, क्या पता सुसु पोटी आ रही हो। कुछ नहीं आ रहा है इसको, बस बाहर घूमना है इसको, नाचना है। रुक जा, वो देखो सीधा सीधा बाहर जा रहा है, सीधा बाहर। चेन लेकर ही चले जाएगा क्या सीधा? देख देख। अब ये देखो ये भी चल दिया बाहर, ये आवाज़ सुन ले बस उसकी, मतलब दोनों आवाज़ सुन ले एक दूसरे की, सीधा एक दूसरे के पीछे पीछे चल देते हैं। बाकी दोनों छत पे गए, मैं तुम लोग को RGB वाला सेटअप दिखा देता हूँ, मतलब मैंने कैसे उसको मैं सेटअप करता हूँ एंड कैसे, मतलब मैंने कैमरा वैमरा वैमरा फिट कर रखा है बैक कैमरे से, ताकि अच्छे से मैं तुम लोग को दिखा पाऊँ। तो ये है गाइस वो वाली लाइट मैंने ड्रॉर के अंदर डाल रखी, मतलब मैं ड्रॉर के अंदर डाल देता हूँ उसको जब भी यूज़ करता हूँ, और इसका रिमोट भी मेरे इसकी इसी के साथ है। और एक चीज़ और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये देखो बल्ब। तो जब मतलब ये वाली लाइट नई थी ना, वाली लाइट वैसे तुम लोगों ने देख ली गुप्ता जी के ब्लॉग में, मैंने मंगाई थी, तीन मंगाई थी, दो उनके पास है और एक मैंने अपने लिए मंगा ली थी। ठीक है, तो ये लाइट एक तो मैं लगाता हूँ पीछे से, और एक ये चीज़, ठीक है, ये मैं मतलब पहले यूज़ करता था, ये नॉर्मल जो बल्ब होते हैं ना वाइट वाले, देखो नॉर्मल से वो वाले बल्ब हैं ये, तो इनके ऊपर ना मैंने जो वाटर कलर है वाटर कलर से इसको पेंट कर दिया, लाइट काफ़ी सही दे रहा है। मतलब जब ये मेरे पास ये वाली लाइट नहीं थी ना, उससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ये वाली, तुम लोग ने लाइव स्ट्रीम में गौर किया होगा। ठीक है, तो ये थी, और एक और बल्ब था जो कि पता नहीं कहाँ रखा है, मैं एक मिनट लेके आऊँ उसको भी। तो ये है गाइस वो वाला बल्ब, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू, मतलब साइड में पड़ा हुआ इधर, ठीक है, तो इस पर मैंने जो है ब्लू पेंट कर रखा था, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार, बीच में पीछे से लगा लेता हूँ। वैसे जब से मैंने एंगल चेंज किया, देखो ये देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये तो यहीं पर इसको रखे रहने देते हैं। तो ये देखो ये मेरा वेबकैम जिसको मैंने इस ट्राइपॉड के ऊपर रखा, ये वैसे किसी काम तो नहीं आ रहा था, ठीक है, बाकी मैंने इसके ऊपर इसको रख लिया ताकि एंगल एकदम सही बन जाए हिसाब किताब। बाकी ये वाली लाइट तुम लोगों ने जलते हुए अगर तुम लोग को देखना है तो तुम लोग लाइव स्ट्रीम में आ जाना, एक मिनट मैं तुम लोग को एक काम करता हूँ दिखाई देता हूँ, यानी तुम लोगों को भी ब्लॉग में कुछ तो दिखाया नहीं, खाली ऐसी दिखा दी हमें ऊपर से लाइट। ठीक है, तो मैं इसका प्लग लगाता हूँ इधर, रिंग लाइट दो मिनट के लिए बंद कर देता हूँ ताकि एकदम अच्छे से दिखे तुम लोगों को। ये देखो इसको भी बंद कर देते हैं, तो ये देखो ऐसी कुछ, रुको तुम लोग को ना मैं ऐसे करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो कितनी तगड़ी रोशनी मार रहा है ये, देखो ब्लू ग्रीन रेड सब जलती है इसमें, वाइट भी देखो वाइट हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सही लाइट है, मतलब 300 रुपये में क्या लोगे, 300 रुपये की लाइट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो बस यार यही लाइट है जिसका रिमोट ये है, जो कि सारे बटन है इसमें, मतलब कोई भी कलर तुम कर सकते हो। और मैं पहले जल्दी से नहा कर रहा था बिकॉज सुबह से मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, काम वाम कर रहा था, वीडियो में एक एडिट कर रहा था, वो तुम लोग को गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीम में देखने को मिलेगी, जब तक ये व्लॉग आएगा उससे पहले तुम लोग वो वीडियो देख चुके हो, उसमें मतलब मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए उसको मेरे को एडिट करने में बनाने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और ये फिर से यहाँ पे आ चुका है, इसका यही है भाई, बाहर जाता है फिर आ जाता है वापस से सो जाता है कंबल के ऊपर आके, और कंबल के ऊपर ही बैठता है ये, वैसे अगर इसको बैठा हो ना तो फिर कंबल ऐसे ऐसे हाथ करके कंबल पहले बिछाएगा उसके बाद बैठेगा ऊपर। ठीक है, बाकी मैं नहा कर आता हूँ फिर अपन व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और इसका लिंक मैंने दे दिया रखा है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बट इसको वापस करना होगा, मतलब वापस नहीं, इसको एक्सचेंज करना होगा बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, इसको एक्सचेंज करेंगे बिकॉज साइज़ तुम लोग ने देखा है भाई कितना ज़्यादा बड़ा आ गया, मतलब मेरे से दिक्कत होगी खैर साइज़ में, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज तो खैर 2-3 दिन में ये तो वैसे काफ़ी जल्दी आ गया था, मैंने इसको परसों ही ऑर्डर किया था और ये आज आ भी गया, तो मैं सोचा व्लॉग भी कर देते इसी के ऊपर ही, मतलब इससे स्टार्ट हो जाएगा व्लॉग। ठीक है, बाकी मैं नहा कर आता हूँ एंड देन फिर मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ।